अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सर्व मानव सम्मान अभियान कुर्ला वेस्ट में चिकने चौक पे ये उपक्रम चलाने का जो मेन हेतु होता है हमारा, जो लोगों को बुराइयों से बचाओ और अच्छाई की तरफ लेके आओ। आज मैं एक ही टॉपिक पे बात करूंगा, यहाँ पे आत्महत्या। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? जब टेंशन ज़्यादा होता है तब आत्महत्या करते हैं। और इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर आत्महत्या को महापाप माना गया, बड़ा पाप। लोग जो क्या बोलते हैं कि जब टेंशन होता है तो आत्महत्या उसका सोल्यूशन है। मैं कहता हूँ नहीं, उसका सोल्यूशन है कि मालिक का अंतिम ग्रंथ पढ़े और सोल्यूशन को ख़त्म करे। तो ये जो भाइयों के भी दिल में आजकल आता है कि आत्महत्या करे, उनके लिए बेहतर है कि जब भी किसी के दिल में आता है कि आत्महत्या करनी चाहिए तो उनको मालिक का अंतिम ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो उसके अंदर हमारे जीने का तरीका सिखाया हमारे मालिक ने, और साथ ही साथ मोहम्मद पैगंबर को दुनिया में किस तरीके से जीवन बिताना चाहिए इसके लिए भेजा गया है कि वो प्रैक्टिकल जीवन जी के बताया उन्होंने 63 साल की आयु में। तो उस तरीके के अगर हम चलेंगे तो कभी भी हमें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी भाई आज हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो भी परेशान होंगे कोई परेशानी में, तो उस परेशानी का सोल्यूशन ढूंढे, ये परेशानी दूर किस तरीके से की जाए। ये ना कि आत्महत्या करके अपना जीवन ही खत्म कर डाले, क्योंकि तुम्हारे देखो माँ बाप ने कितने प्यार से तुम्हें पाले रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम बुढ़ापे में उनका सहारा बनोगे या उनको ऐसे इस तरीके से छोड़ के चले जाओगे? तुम्हारे मरने के बाद उनका कौन है? माँ बाप इस ख्वाहिश से तो बच्चों को बड़ा करते हैं क्योंकि मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा बनेगा। आप क्या उनको बीच मझधार में छोड़ के जाना चाहते हैं? और इस बारे में इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? मोहम्मद पैगंबर ने और इस्लाम ने सख्त मना किया है आत्महत्या करने वालों के लिए कि ये महापाप है, इसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। तो ये कि हम उसको सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। इसी की तरह और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे पास आज हम देखते हैं समाज के अंदर, कि छोटे छोटे बच्चे 13-14 साल के बच्चे किस तरीके से फोन देख के अपनी लाइफ को बर्बाद करे, खराब करे। इंटरनेट के माध्यम से जो बच्चों तक बेहयाइयां पहुंच रही है इसके लिए, और कुरान इसके लिए क्या कहता है, वला तकरुबु ज़िना, कि तुम उस गंदे काम के करीब भी मत जाओ। और ये पहली स्टेज होती है जो हमारे 13-14 साल के बच्चे फोन देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं। तो इससे इस तरीके से और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास जिसके ऊपर हम लोग एक कैंपेन करते हैं, और अलहमदिल्ला कुर्ला पुलिस स्टेशन से भी हमें आज भरपूर साथ मिला यहाँ पे। और इस तरीके से हमारा ये आज का स्टॉल सक्सेसफुल रहा, अलहमदिल्ला काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आके हमें विजिट दिया और लोगों ने बहुत पसंद किया इस काम को। और मैं हमारे जितने भी अलबीर को लाइक करने वाले मेरे बहन भाई लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप इसी तरीके से अलबीर को लाइक करते रहिए, ताउन करते रहिए और इसी तरीके से अलबीर का सपोर्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।